नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना जो बैच चल रहा था स्पेशल मैथ का, जो आपके स्पेशल रूप से एसएससी जीके के लिए अपन ने क्या बैच स्टार्ट कर रखा है, इसमें क्या है, आपको जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पे आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको और कहीं से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बात समझ में आ गई। और अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आती हो, अगर उन बच्चों ने भी ये देख लिया ये बैच, तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बैच आपके जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। क्या होगा? जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और क्या एडवांस लेवल तक चलने वाला, बात समझ में आ गई। इस बैच को अपन जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक साथ लेके चलेंगे, और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है आपकी, उनके क्या है, साथ साथ में क्वेश्चन करते चलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, बात समझ में आ गई। तो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। टॉपिक कौन सा चल रहा था? नंबर सिस्टम। इसके बारे में अपन ने काफी बातें कर ली थी और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था संख्याओं के बारे में पढ़ा था, संख्या किस प्रकार से होती है, जैसे अपन ने पढ़ी थी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, इनके बारे में पढ़ा था। तो इनके बारे में बार बार पढ़ने की जरूरत है नहीं। थोड़ा सा मैं बता दूं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याओं में क्या है, जीरो आता है, प्लस में भी आती है और माइनस में आती है। जैसे माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, इस प्रकार से माइनस में संख्या आती है और जीरो आता है, प्लस में भी संख्या ही आती है। अगर आपको पूछे प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो प्राकृत संख्या वही संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जो एक से स्टार्ट हो गया अनंत तक जाती है, बात समझ में आ गई। फिर अपन बात करें पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, जीरो एक दो तीन चार इस प्रकार क्या है, अनंत तक जाती है, जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृत संख्या होती है एक से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या के कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। इससे आगे अपन ने बातें की थी, इनके क्वेश्चन भी किए थे। जैसे आपको पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन आता है काफी बार कि ना प्रथम में पांच प्राकृत संख्याओं का या दस प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे आप? अगर आपको पता है कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, तब तो आपको ठीक है एक से लेकर दस तक क्या संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हो। और आपको पता ही नहीं कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है या जीरो से, तो आपके क्या है मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये अपने संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। आगे अपन ने बात की थी भाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखो भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या ऐसी संख्या है जिनमें क्या है कम से कम तीन संख्याओं का भाग चला जाए। सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपको, क्या इससे याद भी हो जाएगा। सीधा सीधा ये याद रखना, ऐसी संख्या जिसके अंदर कम से कम तीन संख्याओं का भाग चला जाए। जैसे आपके पास फोर है, फोर के अंदर एक तो एक का भाग जाता है, एक दो का जाता है, एक फोर एक चार का जाता है, तो इस ये कौन सी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल मात्र दो संख्याओं का भाग जाए, जिसके अंदर दो संख्याओं का भाग जाए, वो कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या। जैसे तीन है तो तीन के अंदर एक का भाग जाता है और किसका जाता है? तीन का, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। इनको अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो क्या पीछे जो अपने क्लास ले रखी है उनमें पढ़ लेना, बात समझ में आ गई। ये तो हो गए अपने भाज्य अभाज्य। मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे और आपसे पूछा था, जैसे एक कोई आपसे पूछ ले एक भाज्य संख्या या अभाज्य, तो आप क्या आंसर दोगे? एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक के अंदर सिर्फ एक का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो यह अभाज्य नहीं हुई। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त है? कम से कम दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए। दो संख्या कौन सी हो? एक तो खुद हो और उसके अलावा एक एक हो। एक का और खुद का भाग जाना चाहिए, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे क्या है अपने पास सात अभाज्य संख्या है, तो सात के अंदर एक तो सात का भाग जाता है और एक एक का जाता है। अगर अपने एक की बात करें तो एक में केवल मात्र एक का ही खुद का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। आगे मैंने और भी आपको बताया था, जैसे आपको पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। दो देखो, दो सम संख्या भी है और अभाज्य भी संख्या, अभाज्य संख्या भी है। दो केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये अपन ने बात कर ली थी। और एक से लेके 25 तक, एक से लेके 100 तक मैंने बताए थे आपको कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होती है।
एक से लेके 100 तक के कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 संख्या होती है। जैसे मैंने बताया था, एक से लेके 25 तक कितनी है? 9 अभाज्य संख्या है। और 26 से लेके 50 तक कितनी है? 6 है। और 50 से लेके 75 तक कितनी है? 6 है। और 76 से लेके 100 तक कितनी हो गई? 4 हो गई। इस प्रकार से टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई? एक से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने इनको चेक करने का तरीका ही बताया था। क्या बताया था? जैसे अपने पास कोई भी अभाज्य संख्या हो, उससे बड़ा अपन क्या देखेंगे? कोई वर्ग संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्ग संख्या देखेंगे। फिर अपन क्या निकालेंगे? उसका वर्गमूल निकालेंगे। जो वर्गमूल आ रहा है वहां तक की सभी संख्या होगा क्या देंगे? भाग देके देखेंगे। अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या अभाज्य हो जाएगी, और अगर किसी संख्या का भाग नहीं जाता तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस बारे में अपन ने बात कर ली थी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अपन आज अपने पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? दशमलव संख्याएं। बात समझ में आ गई क्या? क्या पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो आज अपन इनके बारे में पढ़ने, दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या? दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? आपको पहले यह बता दूं, दशमलव जो जैसे पॉइंट 1, 2, 3 इस प्रकार से जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? दशमलव संख्या। इनको अपन क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। जो पॉइंट के बाद संख्याएं आती है। बात समझ में आ गई? तो अब अपन इनके बारे में बात कर लेते हैं, दशमलव संख्याओं के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे जब वो किसी प्रकार की होती है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को भी अपन ने क्या अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर रखा। जैसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, इनको चेंज करना भी आता है। बात समझ में आ गई क्या? तो वो बात भी अपन आगे करेंगे। तो अपन बात कर लेते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याओं के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले इनको क्या है? तीन तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? तीन भागों में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, एक नंबर पे कर लेते हैं शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या देखो, शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? आपको मैं सीधा सीधा ही बता दूं कि अगर अपन क्या दो के अंदर पांच का भाग दे दिया, दो के अंदर किसका भाग दिया? पांच का भाग दिया। तो देखो पांच का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो अपन क्या लेंगे? यहाँ दशमलव लगा दिया, यहाँ गए जीरो, फिर मैंने भाग दिया। देखो ये हो गए 20 हो गए, पांच हो गए 20। अब देखो इसमें पूरा पूरा भाग चला गया और पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ गई? तो ये हो गई शांत दशमलव। सीधा आ गया, जैसे शांत दशमलव संख्या यही हो गई 0.4 है, 0.23 इस प्रकार से संख्या आती है, जैसे 0.789 इस प्रकार से संख्या आती है जो शांत हो जाती है, इनके आगे नहीं चलती। ये हो गई कौन सी? शांत दशमलव संख्या। आपको पता होगा, चलो तो इसको नोट डाउन कर लो। शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? जो पॉइंट के बाद में क्या है, जैसे एक संख्या आ गई, दो, तीन, कितनी भी संख्या हो, लेकिन क्या है आगे बढ़ती नहीं जाए। अब देखो अशांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? पहले अशांत अपने अशांत आवर्त दशमलव संख्या है। पहले ये लिखो आप, बाद में बात करते हैं अपन। शांत दशमलव संख्या लिख ली, इसके बाद बात करते हैं अशांत आवर्त दशमलव संख्या कौन सी होती है। जैसे अपन ने क्या किया, 10 के अंदर भाग दिया, किसका? तीन का। 10 के अंदर क्या दे दिया? तीन का भाग दे दिया। तो देखो कितना आ रहा है, तीन बच जाएगा, फिर कितना आ गया अपने, तीन तीन नौ, फिर बच गया कितना? एक शेष बच गया। पॉइंट के बाद अपन ने क्या उतारा? जीरो उतारा, फिर कितना बच गया? तीन तीन नौ, फिर एक शेष वन जीरो, इस प्रकार से क्या तीन तीन आते ही रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अशांत दशमलव आवर्त दशमलव संख्या कौन सी होती है? जैसे पॉइंट के बाद में चार, तीन 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 तीन, इस प्रकार क्या है अनंत तक संख्याएं आती रहती है, इनको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्त दशमलव संख्या। अशांत का मतलब क्या हुआ? कि शांत नहीं हुई भाई, संख्या आती जा रही है। जो संख्या ये है ये आती जा रही है। और आवर्त का मतलब क्या हुआ? कि एक संख्या आ गई वो क्या रिपीट होती जा रही है बार बार, वही संख्या क्या होती है? रिपीट होती जा रही है। बात समझ में आ गई? जैसे आपको और बताऊं तो जैसे ये है,
ये भी क्या है, अशांत आवर्त दशमलव संख्या। देखो अशांत कैसे हो गई, ये आगे तक आती ही जा रही है, अपन जितनी बार भाग देंगे उतने टाइम आती रहेगी, अनंत तक आती रहेगी। बात समझ में आ गई? तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तीन 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 रिपीट हो रहा है, क्या है, तीन आ गया फिर तीन आ गया फिर तीन, इस प्रकार तीन तीन आता ही रहता है। और इसमें देखो देखो दो तीन दो तीन दो तीन दो तीन, इस प्रकार से देखो अनंत तक आते रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये देखो शांत हो रही है क्या, ये तो क्या हो गई, शांत हो गई। जैसे जीरो पॉइंट के बाद क्या आ गया, चार आ गया, बस ठीक है। इसमें देखो जीरो पॉइंट क्या हो गया, दो तीन आ गया, तो ये भी शांत हो गई। जैसे इसमें देखो जीरो सात आठ नौ आ गया, तो ये भी क्या हो गई, शांत हो गई। और ये इधर देखो जीरो के बाद में क्या, पॉइंट तीन 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 तीन, ये अनंत तक चलती रहती है। इसी प्रकार से नीचे वाले देखो, इसमें दो तीन दो तीन दो तीन, इस प्रकार क्या है, ये अनंत तक चलती रहती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अशांत आवर्त दशमलव संख्या। मतलब क्या हो गई, ये शांत नहीं हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। आवर्त का मतलब क्या है कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही आ रही है, बार बार वही रिपीट हो रही है। तो इसको अपन क्या है, इसको लिखने का और भी तरीका अपने को अपने पास, इसको किस प्रकार से लिखते हैं, 0.3 के ऊपर अपन ने क्या लगा दी, बार लगा दी। बात समझ में आ गई? 0.3 के ऊपर बार लगा दी, तीन के बाद तीन के ऊपर बार लगाने से क्या हुआ कि तीन बार बार आ रहा, तीन क्या है आगे भी बार बार आ रहा। इसको चेंज भी कराते हैं एग्जाम में, काफी बार क्वेश्चन आता है इसको चेंज करने का, तो वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, 0.23 दो तीन, इस प्रकार से क्या है, दो तीन, ये संख्या क्या है आती रहती है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 0.23 के ऊपर क्या लगा दिया पढ़ने, बार क्या लगा दी, बार लगा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या रिपीट होती रहती है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अगर आपको किसी संख्या के ऊपर ये दे दे कि 0.35 के ऊपर बार लगा दी, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अशांत आवर्त दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई क्या, क्या हो गई, अशांत आवर्त दशमलव संख्या। मतलब ये शांत नहीं हो रही है और बार बार आवर्त हो रही है, तो ये संख्या हो जाएगी अशांत आवर्त दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई? और ये शांत दशमलव संख्या क्या होगा, जैसे आपको कोई दे दे ये दे दिया, तो ये कौन सी हो गई, ये शांत दशमलव संख्या हो गई। मतलब न तो कोई रिपीट हो रही है और न आगे बढ़ रही है, तो ये हो गई शांत दशमलव संख्या। और अशांत का मतलब क्या हुआ कि बार बार वही संख्या है जो 35 है, 35 इसका मतलब क्या हुआ, देखो 35 35 35 इस प्रकार से क्या लिखते चलेंगे। तो ये हो गई अशांत आवर्त दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई? और ये हो गई शांत दशमलव संख्या। और इससे आगे अपन और बात कर लेते हैं, चलो पहले दो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अपने यही लिख लेते हैं, तो ताकि क्या आपकी समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई? यहाँ एक संख्या और लिख लेते हैं अपन, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। एक टाइप और कौन सा हो गया, इनके हो गए तीन टाइप, एक हो गया ये, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। एक अपन ने बात की थी शांत दशमलव के बारे में, इसके बारे में बात की थी शांत दशमलव के बारे में। दूसरी अपन ने बात की थी अशांत, दूसरी बात की थी अशांत आवर्त दशमलव संख्या के बारे में। तीसरी अपन बात कर रहे हैं अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। तो देखो ये संख्या कौन सी होगी, इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास क्या जाता है 0.125793 4 2, इस प्रकार से क्या है, न तो ये शांत होती है और न ही क्या संख्या रिपीट होती है। बात समझ में आ गई क्या, ये तो देखो शांत हो गई, इसके तो फिक्स आ गए तीन नंबर आ गए, इसके बाद में क्या है शांत हो गई। इसमें देखो ये शांत नहीं हुई, इसमें जीरो के बाद में देखो तीन 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 आगे बढ़ता जा रहा है, आगे के किस प्रकार से आ रहा है कि यही संख्या रिपीट हो रही है। तीन इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा बार बार। और इसमें क्या होगा, इसमें न तो ये शांत होगी और नई संख्या का कोई रिपीटेशन होगा, नई कोई संख्या बार बार आएगी। तो देखो पॉइंट के बाद देखो अलग अलग संख्याएं आएगी, इस प्रकार से देखो सभी अलग अलग क्या है, संख्याएं हैं।
3, 7, 8, 9, 1, 2, 9, 3। तो इसमें देखो नए तो क्या है, संख्याएं बार बार आ रही हैं और नई क्या हो रही है, शांत हो रही है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई क्या? अशांत अनावर्त दशमलव संख्या कौन सी होती है? इसमें नए तो संख्या क्या है, रिपीट हो रही है, और नई संख्या क्या हो रही है, शांत हो रही है। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा मैं इन तीनों के बारे में बताऊं आपको। शांत दशमलव संख्या कौन सी हो गई कि इसमें क्या है, पॉइंट के बाद में फिक्स नंबर आ गए, जैसे 4 आ गया, इसके बाद में और कोई संख्या नहीं है। इसमें देखो दो संख्या आएगी, 0, 2, 3, इसमें आ गया 0.789, इस प्रकार से ये संख्या आ गई 0.567, इसके बाद में देखो कोई संख्या ही नहीं, ये तो हो गई शांत। ये क्या हो गई, एक समय के बाद में शांत हो गई और कोई संख्या ही नहीं आ रही। फिर अपन बात करें अशांत की। अशांत का मतलब क्या हुआ कि बार बार संख्याएं आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। तो एक तो हो गई अशांत आवर्त, अशांत आवर्त। तो आवर्त का मतलब क्या हुआ कि ये शांत नहीं हुई, बार बार वही संख्या, एक ही संख्या या दो संख्या या तीन संख्या क्या है, रिपीट हो रही है। यहाँ देखो 0 के बाद में क्या आ रहा है, 3, 3, 3, 3, 3 आ रहा है ना, 0.33। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 0.3 के ऊपर अपन ने बार लगा दी। फिर अपन ने देखा 0.23, 0. यहाँ पे देखो 0.23, 2, 3, 2, 3 इस प्रकार से आ रहा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 0.23 के ऊपर अपन ने क्या लगा दी, बार लगा दी। तो ये देखो क्या है, ये हो गई अशांत आवर्त दशमलव संख्या। मतलब शांत नहीं है, आवर्त का मतलब क्या हुआ कि बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है, जैसे 3 संख्या, 3 नंबर भी क्या रिपीट हो सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बात करें अपन 0.1, जैसे ये है 5, 3, 6, इस प्रकार से क्या है, ये देखो 5, 6, 3, ये संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। तो देखो कितनी भी संख्या है वो क्या है, बार बार रिपीट हो रही, तो उनको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्त दशमलव संख्या बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्त दशमलव संख्या। ये बात समझ में आ गई। अब बात करें अपन अशांत अनावर्त दशमलव संख्या कौन सी होती है। अशांत अनावर्त दशमलव संख्या वे संख्याएं होती है जो क्या है, न तो शांत होती है, न तो क्या होती है, शांत होती है। अनावर्त का मतलब क्या हुआ कि क्या बार बार में क्या है, इनके अलग अलग नंबर आते हैं, समान संख्याएं नहीं आती है। जैसे पाई का मान है, तो पाई का मान को 3.14 तो अपन क्या है लगभग लेते हैं, बाकी इतना नहीं आता। 3. पाई का मान भी क्या है अशांत अनावर्त दशमलव संख्या, इससे आगे भी क्या अनंत क्या है, ये चलता ही रहता है। तो इसका क्या अपन लगभग मान लेते हैं 3.14, लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ देखो जैसे 1, 2, 5, 7, 9, 3, 4, 5 इस प्रकार से क्या, जैसे अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और नई क्या वो शांत हो रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। देखो यहाँ देखो ये 0.37891 9, 2, 3 इस प्रकार से देखो अलग अलग संख्याएं आ रही है। ये देखो नए तो शांत हो रही है और नई देखो इसकी तरह क्या है, समान नंबर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, इसकी तरह देखो नए तो शांत हो रही है कि भाई नंबर आ गए, इसके बाद में रुक गई, ये क्या आगे बढ़ती जाती है और इसमें क्या है, समान अंक भी नहीं आते। याद देखो 3, 3, 3 समान संख्या आ गई, 3, 3, 3 इस प्रकार से आगे बढ़ी, इसमें क्या आएंगे, सभी नंबर अलग अलग आएंगे। बात समझ में आ गई, और ये क्या जाती है, अनंत तक जाती है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई होगी आपके। अपन क्या है इसके बारे में कल और भी क्वेश्चन करेंगे, इनको एक बार नोट डाउन करो आप लोग। चलो तो भाई नोट डाउन आपने कर लिया होगा, एक बार दोबारा बता दो, शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है। शांत दशमलव संख्या मतलब वो संख्या है जो शांत हो जाती है। जैसे यहाँ पे 0.4 आ गया, ठीक, यहाँ पे 0.23, यहाँ पे 0.789, 0.567, ये संख्या आ गई और शांत हो गई, आगे कोई नंबर नहीं आता। तो इनको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव संख्या। इसके बाद भी बात करें अपन अशांत, जैसे अशांत अनावर्त दशमलव संख्या, ये कौन सी संख्या हो गई कि दशमलव के बाद में ये संख्या आती है, अशांत रहती है, मतलब शांत नहीं होती, आगे संख्या लगातार आती रहती है, आती रहती है, ये क्या अनंत तक जाती है।
तो ये संख्याएं कौन सी होगी? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या है, बार बार वही संख्या नहीं आती है, तो ये हो गई अनावर्त। अनावर्त का मतलब क्या हुआ कि बार बार अलग अलग नंबर आते हैं, समान नंबर नहीं आते। अगर समान एक साथ एक जैसे नंबर आए, जैसे 0.333 इस प्रकार से आए, तो ये होती है अशांत आवर्त दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये कौन सी है, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या, ये है अशांत आवर्त दशमलव। आवर्त का मतलब क्या हुआ कि बार बार एक समान नंबर आते रहते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे एक समान नंबर आते हैं, जैसे ये है 0.35, अपन ने लगा दिया 0.35 के ऊपर बार लगा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.353535, ये क्या अनंत तक चलता रहता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्त दशमलव संख्या। मतलब बार बार क्या आ रहा है, 3535 इस प्रकार से क्या बार बार आते रहता है और ये शांत नहीं होता, तो इसको बोल दिया अपन ने अशांत। शांत नहीं होता तो बोल दिया अशांत, बार बार आता तो अपन ने बोला आवर्त और दशमलव संख्या। इधर बात करें अशांत, अशांत का मतलब क्या हुआ, देखो बार 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 संख्या आ रही है। अनावर्त का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे नंबर नहीं आ रहे, सभी नंबर क्या है अलग 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 है, तो इसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। बात समझ में आ गई, जिन पे बार लगे होते हैं वो क्या होती है, अशांत आवर्त दशमलव संख्या आती है, और जिसमें क्या अलग अलग नंबर आते हैं, अलग अलग नंबर आते हैं, तो वो क्या होगी, अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। और कल इस पे बेस इसको चेंज करना सीखेंगे अपन। इसको चेंज किस प्रकार से करते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में हर बार इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इनको चेंज करना। कि जैसे आपको ये संख्या दे दी 0.34, तो इसको अपन क्या है भिन्न संख्या में कैसे चेंज करेंगे, भिन्न संख्या में किस प्रकार से चेंज करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर अपन बात करेंगे कल। ये आपकी समझ में आ गई होगी, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।